नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर रस्साकशी कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी रखी है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई। उम्मीद थी देर शाम सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाकात के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बैठक के बाद पवार ने जो बयान दिया उससे सीएम पद के हसीन सपने देख रही शिवसेना के होश उड़ गए। शरद पवार ने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने न तो शिवसेना के बारे में बात की और न ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर चर्चा हुई। पवार ने कहा कि हमने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं किया है और न ही शिवसेना को सरकार बनाने का भरोसा दिया। इस बयान ने शिवसेना में बुरी तरह हलचल मचा दी। हैरान परेशान संजय राउत भागे भागे पवार के घर पहुंच गए। तमाम उलझनों के बीच संजय राउत ने फिर एक ऐसा बयान दिया जिससे ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या शिवसेना एक बार फिर घर वापसी यानी बीजेपी के साथ जाने का मन बना रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार सुबह संजय राउत ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटेगा और एक लोकप्रिय सरकार बनेगी। कोई भी दल नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन रहे, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार को समझने के लिए कई जन्म लगेंगे। मैंने आपको इतना ही कहा है बार बार, सरकार बनेगी और फ्लोर ऑफ द हाउस पर 170 का बहुमत होगा। लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि किसान अभी में है। अभी राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा है। उससे पहले जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन हटाकर एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने के बारे में भी हमने कल पवार साहब से चर्चा की। वो भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए, तब ये बहुत से जो मुद्दे हैं वो दूर हो जाएंगे। आप अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछें, वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए। आप बीजेपी के नेताओं से बात करें, वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन को हटाना चाहिए। इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना अब दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसका एक रास्ता शिवसेना की घर वापसी की ओर जाता है, यानी शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ आ सकती है। दरअसल शरद पवार की गुगली में फंसने के बाद अब शिवसेना कार्यकर्ताओं की बेचैनी भी बढ़ गई। खबरों की माने तो पवार के गच्चा देने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर कानाफूसी तेज हो गई कि अब उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कई पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी से दूर रहना चाहिए। वहीं संजय राउत ने पवार पर बयान देकर ये संकेत दिए हैं कि उनके बीजेपी के साथ जाने की संभावना अब भी बची हुई। दूसरी तरफ एनडीए सहयोगी रामदास अठावले ने भी बीजेपी शिवसेना को साथ लाने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने इसके लिए एक नया फॉर्मूला सुझाया और कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना इस फॉर्मूले पर राजी हो जाती है तो राज्य में जल्द ही सरकार बन जाएगी। अठावले ने इसके लिए 3-2 का फॉर्मूला रखा है, यानी 3 साल बीजेपी का सीएम और 2 साल शिवसेना का सीएम। संजय राउत जी से मेरी बात हुई, उनके तबीयत की मैंने पूछताछ की और मैंने उनको बोला कि भाई क्या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते देखो, और मैंने ये सुझाव दिया कि भाई 3 साल और 2 साल के फॉर्मूले पर क्या आपका मत है, तो बोले आप बातचीत करो, अगर बीजेपी तैयार है तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो इसके लिए अभी मैं बीजेपी के नेताओं से बात करूँगा और अगर कोई क्या फैसला होता है और ये दोनों की सरकार बनेगी तो अच्छी सरकार बनेगी, लोगों का फायदा हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना सीएम पद की मांग को लेकर बीजेपी से अलग हो गई थी। उसे उम्मीद थी कि वो एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बना पाएगी, लेकिन फिलहाल इस गठबंधन में पेच फंसता दिख रहा है, जिसके बाद सभी पार्टियां दूसरे विकल्पों पर विचार करने लगी।